गुड मॉर्निंग एवरीवन चलो बच्चे हमने एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कंसीडरेशन हम डिस्कस कर रहे थे रूल्स उसमें बेटा हमने डेफिनेशन पूरी डिस्कस कर ली है पहला कंसीडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर मूव हो सकता है प्रॉमिसि के पास से या किसी और पर्सन के पास से कंसीडरेशन पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर हो सकता है बेटा Consideration positive as well as negative भी हो सकता है consideration executed हो सकता है या एग्जीक्यूटरी हो सकता है तो पांच रूल्स हमने कर लिए बेटा discuss. अब हम आ रहे हैं अपने रूल पे. Simple सा है important है. कंसिड्रेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट मेरी बात बेटा बहुत ध्यान से सुननी है. सुनो एफ पॉइंट लिखो मेरे साथ साथ Consideration need not be adequate. क्या मतलब होता है बेटा समझते हैं Consideration need not be adequate. चलो बेटा आओ मेरे साथ साथ एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं बहुत सिंपल A, और बी ए आपका बेटा सेलर है ए आपका सेलर है और बी आपका बेटा बायर है ठीक है बेटा हुआ क्या ए के पास ना एक हाउस है के पास एक हाउस है जिसकी बेटा वो क्या करना चाहता है सेल करना चाहता है ठीक है तो उसने क्या करा उसने हाउस खरीदने का ऑफर बेटा किसको दे दिया बी को तो उसने बी को ऑफर दिया कि क्या तुम मेरा हाउस परचेज करना चाहोगे अब सुनना ध्यान से बेटा पता है ये जो हाउस था ना इसकी मार्केट वैल्यू बेटा एक करोड़ थी इस हाउस की बाजारी कीमत बेटा एक करोड़ थी ठीक है ए ने बी को क्या कहा क्या तुम तो मेरा हाउस परचेज करना चाहोगे दस लाख रुपए का मेरे को एक बार बताओ बेटा ए अपना एक करोड़ रुपए का हाउस ए अपना एक करोड़ रुपए का हाउस जिसकी बाजारी वैल्यू एक करोड़ रुपए है एक करोड़ रुपए का हाउस वो बी को बेटा कितने रुपए का दे रहा है दस लाख रुपए का दे रहा है मैं आपसे बेटा ये जानना चाहता हूं क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या नहीं फिर से बेटा व्हाट्सएप पे मुझे जवाब चाहिए कि मुझे क्या यह कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या नहीं ए क्या कर रहा है बताओ बेटा ए एक करोड़ मार्केट वैल्यू का हाउस बी को बेटा कितने का दे रहा है एक दस लाख रुपए का मुझे जानना है बेटा क्या यह कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या नहीं एक करोड़ मार्केट वैल्यू का हाउस दस लाख का दे रहा है क्या यह कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है यानी आपको बेटा जवाब दू यह कॉन्ट्रैक्ट बेटा वैलिड है या नहीं बिल्कुल वैलिड है ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड है मैं आपको उसका रीजन दूंगा बेटा क्यों वैलिड है बेटा क्योंकि बेटा बेटा लॉ क्या कहता है लॉ कहता है कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए देयर मस्ट बी सम समिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए देयर मस्ट बी सम समिडरेशन वो कंसिड्रेशन एडिक्वेट है या नहीं दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट तो क्या मैं एक करोड़ रुपए की चीज दस लाख की दे सकता हूं मेरी चीज मेरी मर्जी मैं एक रुपए की भी देना चाहूं मैं बिल्कुल दे सकता हूं लॉ एक बात बेटा साफ साफ कहता है कंसिडरेशन होना चाहिए कुछ कंसिडरेशन होना चाहिए वो कंसिडरेशन एडिक्वेट है मतलब एक करोड़ है या इनएडिक्वेट है दस लाख है उससे फर्क नहीं पड़ता तो लॉ बेटा एक बात कहता है देयर मस्ट बी बताओ सम कंसिड्रेशन कुछ कंसिड्रेशन का होना जरूरी है बेटा देयर मस्ट बी समिडरेशन कुछ कंसिड्रेशन होना चाहिए इससे फर्क नहीं पड़ता कि कंसिड्रेशन एडिकुएट है मतलब पूरा है या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता है तो कंसिड्रेशन बेटा एडिक्युएट है या इनएडिक्वेट है ये इनरेलीवेंट है वेदर एडिक्वेट वेदर एडिक्वेट और इनएडिक्वेट तो बेटा इससे फर्क नहीं पड़ता है कि कंसिड्रेशन बेटा आपका एडिक्वेट है या बेटा इनएडिक्वेट है इससे फर्क नहीं पड़ता तो बेटा लॉ पता है क्या कहता है लॉ कहता है आप एक करोड़ की चीज जरूरी नहीं है कि एक करोड़ की ही बेचो आप एक करोड़ की चीज जितने की बेचना चाहते हो ना बेचो सम कंसिड्रेशन कुछ कंसिड्रेशन होना चाहिए वो कंसिड्रेशन एडिक्वेट है या इनएडिक्वेट है उससे फर्क नहीं पड़ता तो याद रखना बेटा क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है बेटा मेरी चीज है मैं जितने मर्जी की बेचना चाहूं मैं बेच सकता हूं बेटा लेकिन मैं आपको एक बात और बताऊं बेटा इस केस में ना बेटा इस केस में एक चीज एक चीज जो गवर्नमेंट जानना चाहेगी वो क्या है जरा सुनना गवर्नमेंट जानना चाहेगी रीजन कि आपने एक करोड़ की चीज दस लाख की क्यों बेची क्या रीजन क्या है कि आपको ऐसी जरूरत पड़ गई कि आपको एक लाख की चीज दस लाख की बेचनी पड़ी रीजन क्या है बेटा रीजन तो कोई भी हो सकता है ना सुनो जैसे हो सकता है बेटा मैं अपनी फैमिली के साथ अब्रॉड शिफ्ट हो रहा हूं ठीक है अब कोई कस्टमर मुझे एक करोड़ का मिल नहीं रहा है मुझे अर्जेंटली बाहर जाना है अपनी फैमिली के साथ मतलब मैं सब यहां से पैक पुक करके सब परमानेंटली यूएस सेटल हो रहा हूं तो हो सकता है मैं अपनी फॉमिली फैमिली के साथ अब्रॉड सेटल हो रहा हूं यहां सब बेच बाच के मैं जाना चाहता हूं अच्छा हो सकता है बेटा मेरे बच्चे की एजुकेशन का सवाल हो नहीं मिल रहा एक करोड़ का कस्टमर बेटा क्या करें हो सकता है बेटा घर पे कोई मेडिकल इमरजेंसी है हो सकता है बेटा आपके सन की या डॉटर की बेटा मैरिज का खर्चा है नहीं बिक रहा है एक करोड़ का घर क्या करें बात समझ आ रही है मैं आपसे एक बात और पूछूं गवर्नमेंट क्यों जानना चाहती है रीजन क्यों कोई बता सकता है गवर्नमेंट रीजन क्यों जानना चाहती है फायदा क्या होगा इससे गवर्नमेंट को बेटा गवर्नमेंट बस एक बात देखना चाहती है कहीं ध्यान से सुनना कहीं यहां पर बी ने आपको प्रेशराइज तो नहीं करा है ना एक करोड़ का घर दस लाख का बेचने के लिए कहीं कहीं आपके ऊपर जोर जबरदस्ती दबाव या कहीं आपको धमकाया तो नहीं गया है ना एक करोड़ का घर दस लाख का बेचने के लिए क्योंकि बेटा अगर आपको प्रेशराइज करा गया है आपके ऊपर दबाव डाला गया है जोर जबरदस्ती करी गई है धमकी दी गई है आपको बेटा तो उस केस में बेटा आपका कंसेंट फ्री नहीं है और कंसेंट जब फ्री नहीं होता ना बेटा कॉन्ट्रैक्ट याद करो वैलिड नहीं होता है उस केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉयडेबल हो जाता है और वॉयडेबल के, के केस में बेटा सिय करने का ऑप्शन सिर्फ किसके पास होता है अग्रीव पार्टी के पास और कौन होगी बेटा अग्रीव पार्टी ए तो लॉ बस सुनो लॉ बस इतना जानना चाहता है आपसे लॉ बेसिकली बेटा आपसे बस एक बात जानना चाहता है क्या आपको किसी ने धमकाया तो नहीं है ना क्या आपको किसी ने प्रेशराइज तो नहीं करा है ना क्या कोई धमकी वगैरह तो नहीं दी है ना क्या कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं है ना मतलब वॉज योर कंसेंट फ्री और नॉट बस गवर्नमेंट बेटा इतनी बात आपसे जानना चाहती है कि बेटा हमें बस इतना बता दो आपका कंसेंट फ्री था या नहीं मतलब क्या आपने एक करोड़ की चीज दस लाख की अपनी मर्जी से बेची है या नहीं तो अगर तो आपका जवाब आता है येस कि हमने अपनी मर्जी से बेची है तब तो बेटा ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया वैलिड कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर आप जब जवाब देते हो नहीं मेरे ऊपर दबाव डाला गया था तो उस केस में बेटा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है उस केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉयडेबल हो जाता है पढ़ा हुआ है ना आपने अगर कंसेंट फ्री नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट बेटा वॉयडेबल हो जाता है समझ आया सबको बेटा चलो कॉपी करो लो बेटा कॉपी करो फिर अगले एक दो पॉइंट्स तो खैर छोटे छोटे हैं समझ आया बेटा सबको चलो बेटा करें आगे ये हो गया आपका सिक्स पॉइंट अब आओ बेटा पॉइंट आप सबने, ऐसे ही हो जाएगा देखो मस्ट बी रियल एंड बेटा उसने कहा कंसिडरेशन मस्ट बी रियल बेटा रियल का मतलब पता है क्या हुआ रियल का मतलब हुआ कंसिडरेशन ऐसा होना चाहिए जिसे देना प्रैक्टिकली पॉसिबल हो इट शुड बी पॉसिबल टू परफॉर्म मतलब कंसिड्रेशन ऐसा होना चाहिए जिसे देना जिसे परफॉर्म करना प्रैक्टिकली पॉसिबल हो इट शुड बीबली पॉसिबल टू परफॉर्म ऐसा होना चाहिए बेटा बेटा वो कह रहा है इट शुड नॉट बी इल्यूशरी इज डाइव फ्रॉम द वर्ड बेटा इल्यूजन और बेटा इल्यूजन का मतलब होता है छलावा मतलब जो जो एक्चुअल में होता नहीं है लेकिन हमें लगता है कि है लेकिन एक्चुअल में वो होता नहीं है कहने का मतलब है कंसिड्रेशन ऐसा नहीं होना चाहिए जिसे परफॉर्म करना प्रैक्टिकली इंपॉसिबल हो कंसिड्रेशन ऐसा होना चाहिए जिसे देना प्रैक्टिकली पॉसिबल हो और इसका बेस्ट एग्जाम्पल बेटा हस्बैंड वाइफ का केस किया था ना हस्बैंड ने वाइफ को क्या कहा था बेटा मैं तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़ के लाऊंगा अब बताओ ये कंसिड्रेशन बेटा रियल है या इल्यूजरी है बेटा दिस इज एन इल्यूजन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है रियलिटी में रियलिटी में ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है तो इस कंसिडरेशन को आप रियल नहीं कह सकते दिस इज एन इल्यूशन एक छलावा है एक दिखावा है लगता है कि है लेकिन एक्चुअल में है नहीं ठीक है तो बेटा याद रखना दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वाइड ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा वॉइड बिकॉज कंसिड्रेशन प्रॉमिस्ड बाई मिस्टर ए इज नॉट रियल इट इज इूजी एक दिखावा है, बेटा। बात है सबको? ये आपका बेटा सेवेंथ पॉइंट फिर एथ आता है यह भी करा हुआ है हमने चैप्टर वन में कंसिड्रेशन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल देखो बेटा ओनली प्रेजेंस ऑफ कंसिड्रेशन इज नॉट सफिशियंट

कंसिडरेशन होना चाहिए अलाउड बाय लॉ कंसिडरेशन ऐसा होना चाहिए विच इज अलाउड बाय लॉ जिसकी इजाजत आपको कानून देता है कंसिडरेशन बेटा ऐसा होना चाहिए एनीथिंग विच इज इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी ये मैं मतलब ना अभी नहीं बता रहा हूं चैप्टर थ्री में बताऊंगा इन सब का मतलब ज अ वैलिड कंसिडरेशन ये देखो नीचे एग्जाम्पल देखो बेटा ए अग्रीज टू सेले हाउस टू बी एंड बी अग्रीज टू पे रूपीज फिफ्टी लैख सुनो ए अपना घर बी को बेच रहा है और बी बदले में पचास लाख रुपए दे रहा है लेकिन कैश में नहीं दे रहा है बेटा ड्रग्स के फॉर्म में दे रहा है और ड्रग्स देने की इजाजत बेटा आपको हमारा कानून नहीं देता है इसका मतलब ये जो ड्रग्स है ना बेटा इसे क्या कहा जाएगा अनलॉफुल तो आप कहोगे कंसिडरेशन इज अनलॉफुल और कॉन्ट्रैक्ट बेटा वॉइड हो जाएगा ये ठीक है तो ये दोनों तो खैर पॉइंट्स हमने करे हुए थे ऑलरेडी चलो एक बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म आपने मेरी बात बेटा ध्यान से सुननी है ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा थोड़ा समझने वाला पॉइंट है सिंपल कर दूंगा आपका पॉइंट सुनो परफॉर्मेंस ऑफ वॉट परफॉर्मेंस ऑफ वॉट वन इज लीगली Bound to perform. Performance of what one is legally bound to perform. Performance of what one is legally bound to perform. Sure. ये ना समझने वाला केस है बेटा सुनना मेरी बात बेटा मैं ना एक छोटी सी बात आपसे बेटा करता हूं आपको पता है बेटा जितने भी लोग होते हैं ना जितने भी लोग होते हैं बेटा जितने भी लोग होते हैं बेटा हर इंसान के ना कुछ राइट्स होते हैं यानी उसका हक हर इंसान के बेटा कुछ राइट्स होते हैं और हर इंसान की बेटा कुछ ड्यूटीज होती हैं यानी उसके फर्ज हर इंसान का कुछ राइट होता है और कुछ बेटा उसकी क्या होती हैं ड्यूटीज होती हैं बेटा लॉ आपको पता है क्या कहता है लॉ आपको क्या कहता है लॉ कहता है ध्यान से सुनना बेटा लॉ आपको कहता है कि आप ना consideration आप कंसिड्रेशन ध्यान से सुनना बेटा लिखो मेरे साथ साथ आप कंसिड्रेशन राइट का आप ले सकते हो आप राइट का कंसिड्रेशन ले सकते हो लेकिन बेटा आप ड्यूटी का कंसिड्रेशन चार्ज नहीं कर सकते क्योंकि वो आपका फर्ज है और फर्ज का पैसा चार्ज नहीं करा जाता है किसका मैं ले सकता हूं मैं मैं अपने अपने का का हक पैसा ले सकता हूं लेकिन अपने फर्ज का मैं पैसा नहीं ले सकता बेटा तो बात समझना मैं बात सुनो मैं दोबारा बोल रहा हूं बेटा याद रखना मैं अपने कौन सा पैसा मैं ले सकता हूं मैं राइट का अपने हक का पैसा मैं ले सकता हूं बेटा कोई दिक्कत नहीं है इसे वैलिड माना जाता है बेटा मैं अपने हक का पैसा ले रहा हूं हक का पैसा लेने से कौन मना कर रहा है तुम्हें लेकिन आप बेटा अपने कर्तव्यों का पैसा नहीं ले सकते अपने फर्ज का पैसा नहीं ले सकते बेटा आप तो वो केस क्या होगा इनवैलिड लिख लेना आप इनवैलिड तो याद रखना बेटा आप कंसिडरेशन किसका ले सकते हो आप बेटा कंसिडरेशन अपने हक का ले सकते हो हक का पैसा लो कोई नहीं रोक रहा है तुम्हें हक का पैसा लेने से लेकिन तुम अपनी कर्तव्यों का पैसा अपने फर्ज का पैसा तुम नहीं ले सकते बेटा ठीक है मैं आपको ना इसके एग्जांपल्स देता हूं बेटा सुनना मेरी बात सुनो सुनो ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात इमेजिन करो बेटा एक टीचर है एक टीचर है ठीक है बेटा बेटा अगर मैं आपसे बोलूं कि टीचर का राइट क्या है पढ़ाना या ना पढ़ाना बेटा मेरा राइट है अब इमेजिन करो आप मेरे पास फाउंडेशन की कोचिंग के लिए आए कि सर हमें आपसे फाउंडेशन की कोचिंग पढ़नी है मैं आपको पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं वो बेटा मेरी मर्जी है दैट इज माय राइट तो मेरी बात सुनो टू टीच और नॉट बेटा दैट इज माय राइट वो मेरा हक है बेटा पढ़ाना ना पढ़ाना बेटा मेरा हक है अगर मैं बोलूं बेटा मेरी ड्यूटी क्या है सुनो सुनो अगर तो मैं आपको पढ़ाने से बेटा मना कर देता हूं फिर तो बात ही खत्म हो गई लेकिन अगर मैं आपको पढ़ाता हूं तो अच्छा पढ़ाना बेटा मेरी ड्यूटी है तो बात समझो पढ़ाना ना पढ़ाना इज माई राइट अगर मैं आपको नहीं पढ़ाता फिर तो बात खत्म लेकिन अगर मैं पढ़ाता हूं तो अच्छा पढ़ाना मेरी ड्यूटी है टू टीच वेल इज माई ड्यूटी बताओ बेटा बात समझ आई समझ आई सबको अब ना मैं आपको एक केस देता हूं जरा बात समझना सुनो सुनो अब इमेजिन करो थोड़ी सिचुएशन है कि इमेजिन करो आप मेरे पास आए कि सर हमें फाउंडेशन की कोचिंग पढ़नी है मैंने कहा अगर पढ़ना है तो फीस होगी पच्चीस हजार रुपये ठीक है और अगर अच्छा पढ़ना है तो पांच हजार रुपये फालतू लगेगा बात समझो अगर तो पढ़ना है तो पच्चीस और अगर अच्छा पढ़ना है तो पांच हजार रुपए फालतू देना पड़ेगा आपको अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं ये पच्चीस बेटा ये पच्चीस ये किस बात का है पढ़ाने ना पढ़ाने का बेटा अगर पढ़ना है तो 25 यानी ये मेरे हक का पैसा है बेटा क्योंकि पढ़ाना ना पढ़ाना मेरा हक है बेटा वैलिड माना जाएगा इस 25 को लेकिन जो आप एडिशनल चार्ज कर रहे हो वो किस बात का है बेटा अच्छा पढ़ाने का और बेटा अच्छा पढ़ाना ना आपका राइट नहीं है बेटा अच्छा पढ़ाना आपकी ड्यूटी है और ड्यूटी का पैसा नहीं लिया जाता है बेटा तो आप जो ये एक्स्ट्रा पांच हजार चार्ज कर रहे हो ना बेटा ये क्या होगा इनवैलिड होगा ड्यूटी का पैसा आप चार्ज नहीं कर सकते हो हाँ राइट right का आपको चार्ज करने से नहीं रोक रहे हैं लेकिन ड्यूटी का नहीं चार्ज कर सकते आप बात बताओ समझ आई बेटा ऐसे ना एन नंबर ऑफ केसेस आप ले सकते हो आ जाओ एक और डॉक्टर आप सुनो मेरी बात बेटा डॉक्टर का राइट क्या है पेशेंट को ट्रीट करना ऑपरेट करना ना करना बेटा उसका राइट है टू ऑपरेट और नॉट तो उसे ऑपरेट करना ना करना उसका बेटा क्या है राइट बात समझ आई टू ऑपरेट ऑन नॉट ये बेटा उसका राइट है और अगर मैं पूछू उसकी ड्यूटी क्या है बेटा उसकी जान बचाना उसकी ड्यूटी है बेटा। सेव लाइफ, ये बेटा उसकी ड्यूटी है अब इमेजिन करो बेटा एक पेशेंट कैंसर का पेशेंट डॉक्टर के पास गया कि डॉक्टर साहब मेरा इलाज करोगे डॉक्टर ने कहा बिल्कुल करेंगे इलाज करने के पांच लाख रुपए हैं, ठीक है थीके? बिल्कुल करेंगे इलाज इलाज करने का कितना है पांच लाख और अगर और अगर जान भी बचानी है बा, बात समझो और अगर जान भी बचानी है तो उसका दो लाख रुपए बेटा फालतू लगेगा तो सुनो अगर ऑपरेशन करना है खाली ऑपरेशन करना है तो पांच लाख रुपए है और जान भी बचानी है तो दो लाख रुपए फालतू लगेगा बेटा अब मुझे एक बात बताओ ये जो पांच लाख लिया जा रहा है ये किस बात का है बेटा ये तो हक का पैसा है ना वैलिड अब ये दो लाख किस बात का है जान बचाने का बेटा जान बचाना आपका राइट थोड़ी ना है जान बचाना तो आपकी ड्यूटी है और ड्यूटी का पैसा चार्ज करोगे तो वो क्या माना जाएगा बेटा इनवैलिड माना जाएगा बात समझ आ रही है मेरे ख्याल से सबको तो आप हक का पैसा आप लो कोई दिक्कत नहीं है कोई नहीं रोक रहा है आपको हक का पैसा लेने से लेकिन आप लेकिन आप Duty का पैसा नहीं ले सकते बेटा चलो मेरे ख्याल से समझ आ रहा है चलो एक और एक और देखो, सपोज कोई कॉन्ट्रैक्टर है बेटा बिल्डिंग्स वगैरह बनाता है तो बेटा मैंने ना इसको मैंने इसको एक फोर स्टोरी फोर स्टोरी बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया मैंने कहा क्या तुम मेरी फोर स्टोरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करोगे तो तुम उसका राइट right क्या है टू कंस्ट्रक्ट और नॉट ये उसका क्या है बेटा राइट right है बात समझ आई और बताओगे बेटा उसकी ड्यूटी क्या है बेटा ड्यूटी उसकी ये है कि वो ये देखे कि मटेरियल अच्छा यूज हो कोई मिलावट किसी किस्म की ना हो ऐसा ना हो कल को बिल्डिंग गिर जाए ड्यू टू यूज ऑफ लेसर मटेरियल, ठीक है तो उसका यहां पर ड्यूटी है टू बिल्ड स्ट्रांग, टू बिल्ड स्ट्रांग बिल्डिंग ताकि बिल्डिंग कल को बेटा गिरे ना बिल्ड स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग करो आप जब उसके पास कॉन्ट्रैक्ट लेके गए तो उसने कहा कर देंगे आपकी building construct क्या दिक्कत है पचास लाख रुपए लगेगा और अगर चाहते हो कि बिल्डिंग कल को गिरे ना तो उसका दस लाख रुपए फालतू होगा तो बताओ ये दस लाख किस बात का है बेटा ये ड्यूटी का पैसा है भाई आपका ड्यूटी ही ये है देखना कि बिल्डिंग स्ट्रांग हो अच्छा मटेरियल यूज हो कल को बिल्डिंग गिरे ना आपकी वजह से किसी की जान ना जाए ये आपकी बेटा ड्यूटी है और ड्यूटी का पैसा बेटा चार्ज नहीं करा जाता है इनवैलिड हो जाता है तो बेटा बेटा किसका पैसा चार्ज कर सकते हो आप राइट का पैसा चार्ज करो कोई नहीं रोक रहा है बेटा आपको लेकिन आप ड्यूटी का पैसा आप चार्ज नहीं कर सकते ऐसे ही बेटा और भी बतेरे केस हो सकते हैं मुझे चलो लिखता नहीं वैसे बता दो लॉयर जैसे सुनो लॉयर अपने आप लिखना चाहो आप लोग लिख लो सुनो लॉयर अब मुझे बताओ लॉयर अब मैं अपने केस मैं अपने केस को लेके लॉयर के पास गया और मैंने कहा क्या आप मेरा केस लड़ना पसंद करेंगे लॉयर कह रहा है बिल्कुल लड़ेंगे कोई दिक्कत नहीं है उसने कहा आपकी फीस होगी एक लाख रुपए ये बताओ उसका क्या था बेटा राइट था है ना उसने कहा अगर जीतना है तो उसका दो लाख रुपए अलग से लगेगा ये देखो कैसी बेवकूफी वाली बात है जीतना है तो मैं जो एक लाख रुपए तेरे को दे रहा हूं वो किस बात का है भाई वो केस लड़ने का नहीं दे रहा हूं लॉ क्या कह रहा है सुनो लॉ कह रहा है तेरे को जो एक लाख रुपए दिया जा रहा है ना वो लड़ने का नहीं है वो जीतने का ही है तो तू दो लाख रुपए अलग से किस बात का ले रहा है ड्यूटी का पैसा आप चार्ज नहीं कर सकते केस जीतना आपकी बेटा क्या है ड्यूटी है पॉइंट बताओ क्लियर हुआ सबको अच्छा मुझे एक बार बताओ बेटा समझ आया पुलिसमैन ठीक है पुलिस की बात करते हैं बेटा मैं एक दिन ना एक पर्सन के खिलाफ एफआईआर आई लिखवाने मैं पुलिस स्टेशन गया ठीक है पुलिस वाले ने कहा पांच हजार रुपए दो तभी आपकी एफआईआर लिखेंगे अब मुझे एक बात बताओ बेटा ये पांच हजार रुपए जो वो मांग रहा है ये राइट के मांग रहा है या ये बेटा ड्यूटी के मांग रहा है तो बेटा याद रखना पुलिस पुलिस इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट है बेटा और याद रखना पब्लिक सर्वेंट का ना राइट नहीं होता है कोई भी पब्लिक सर्वेंट की सिर्फ क्या होती है बेटा ड्यूटीज ही होती हैं जितने भी ये पब्लिक सर्वेंट्स है इनका कोई राइट right नहीं होता बेटा इनकी सिर्फ ड्यूटीज होती है तो एफ लिखना क्या आपका राइट right है नहीं बेटा एफ लिखना आपकी ड्यूटी है और उस ड्यूटी का आप मुझसे पैसा चार्ज नहीं कर सकते इसी को तो बेटा हम रिश्वत का नाम दे रहे हैं तो मेरे को बताओ अगर कोई पब्लिक सर्वेंट आपसे रिश्वत मांगता है ब्राइब मांगता है तो ब्राइब क्यों कह रहे हो आप उसे क्योंकि वो अपनी ड्यूटी का पैसा आपसे मांग रहा है इसीलिए वो ब्राइब है और इसीलिए वो बेटा इनवैलिड है तो कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट गवर्नमेंट सर्वेंट गवर्नमेंट सर्वेंट या पब्लिक सर्वेंट ठीक है अगर आपसे बेटा पैसा मांगता है तो समझ जाना वो पैसा अपनी ड्यूटी का मांग रहा है और ड्यूटी का पैसा है इसीलिए उसे ब्राइब कहा गया है इसीलिए बेटा वो इनवैलिड है बात समझ आई अब इमेजिन करो बेटा एक विटनेस है गवाह जिसने एक मर्डर होते हुए देखा है बताओ उसका राइट क्या होगा और उसकी ड्यूटी क्या होगी क्या उसका राइट ये होगा वो गवाही दे भी सकता है या नहीं भी? नहीं बेटा विटनेस का भी कोई राइट नहीं होता है बेटा विटनेस की भी क्या होती है ड्यूटी आप मुझे बताओ लॉ कभी भी लॉ कभी भी विटनेस को यह कहेगा तू गवाही देना चाहता है दे नहीं देना चाहता मत दे नहीं ऐसा कभी नहीं कहेगा बेटा लॉ लॉ कहता है अगर आपने कुछ गलत होते हुए देखा है तो उसके खिलाफ बेटा आवाज उठाओ तो मेरे को बताओ मैंने गलत होते हुए देखा ठीक है मैंने गलत होते हुए देखा दिस, जिसने गलत किया था ना उसने मुझे कहा तू गवाही मत दे मैं तुझे पांच लाख रुपए दूंगा बात समझ आई तो बताओ ये पांच लाख में किस बात का ले रहा हूं बेटा राइट का नहीं है ये पैसा बेटा ये पैसा ड्यूटी का है क्योंकि गवाही देना आपकी ड्यूटी था पक्का आपने अपनी ड्यूटी का पैसा लिया है तो याद रख लेना बेटा इस कंसिडरेशन को भी इनवैलिड माना जाएगा तो आप एन नंबर ऑफ केसेस बेटा इसके बना सकते हो ठीक है तो मैं किसका पैसा बेटा ले सकता हूं राइट का पैसा लेता ले सकता हूं शौक से लो कोई दिक्कत नहीं है किसका पैसा आप नहीं ले सकते बेटा आप ड्यूटी का पैसा चार्ज नहीं कर सकते ठीक है बेटा चलो बस इतना ही है बेटा देखो मैंने नीचे एग्जाम्पल्स में आपको वो एग्जाम्पल दे भी दिए प्रॉमिस टू पे मनी टू विटनेस

तो वो भी बेटा क्या हो जाता है इनवैलिड सिंस इट इज द ड्यूटी ऑफ द पुलिस इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म लो बेटा आपके सारे रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन बेटा हमारे खत्म हुए कल से हम न्यू टॉपिक शुरू करेंगे स्यूट बायर थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट ठीक है बेटा चलो बच्चे बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं टिल देन थैंक यू